गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड टू नव भारती फैमिली टूडे सेकेंड पोएम ऑफ आर बुक क्लास नाइन्थ की जो बुक है बीह उसकी सेकेंड पोएम मैं आपको पढ़ाऊंगी एंड देट इज वो आप सबको पता ही होगा विंड का मतलब होता है हवा एंड दिस पोएम इज कम्पोज बाय सुब्रमण्य भारती एंड ट्रांसलेटेड बाय ए के रामानुजन मतलब सुब सुब्रमण्यम भारती ने ये पोयम तमिल में लिखी थी और जो ए के रामानुजन ने है ना इस पोयम को इंग्लिश में ट्रांसलेट करा है तो अब हम जो पोयम पढ़ेंगे वो ट्रांसलेटेड है ए के रामानुजन के ए के रामुन रामानुजन ने ये पोयम ट्रांसलेट करी है बट रिटर्न बाय सुब्रमानिया भारती सो so, इस पोयम में एक्चुअली में है क्या कि ये पोयम किसके ऊपर है वेंड वेंड से क्या मतलब क्या मोटिवेशन हमको वेंड से मिल सकता है इस पोयम में ये हमें बताया गया है कि जो बहुत जो वेंड होती है जो हवा होती है ना अगर ज़्यादा तेज हवा चलेगी ना तो काफ़ी नुकसान कर सकती है काफ़ी डिस्ट्रक्शन एक हवा कर सकती है लेकिन ये हम पे है कि अगर जो विंड जब बहुत तेज हवा चल रही है तो जो स्ट्रॉन्ग चीज़ें होंगी ना वो तो उस हवा को फेस कर लेगी लेकिन जो वीक चीज़ें होती है ना वो फ़ेस नहीं कर पाती और वो टूट जाती है तो ये जो यहाँ पे विंड है वो हमारी प्रॉब्लम्स को इंसानों की जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है उनको ये रिलेट कर रही है कि हमारे लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आए ये डिपेंड करता है कि अगर हम स्ट्रांग हैं तो हम उन प्रॉब्लम्स को अच्छे से फेस कर लेंगे और अगर हम वीक है तो हम उस प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पाएंगे तो आइए देखते हैं कि इस में कैसे पूरा एक्सप्लेन कर रखा है राइट right? strongly एंड causes अ lot ऑफ destruction. हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स with इट जब हवा बहुत तेज चलती है ना तो वो काफी डिस्ट्रक्शन काफी नुकसान कर देती है तो हम हवा के साथ फ्रेंडशिप कैसे कर सकते हैं कम सॉफ्टली डोंट ब्रेक द द द शटर्स ऑफ विंडोज डोंट डोंट स्कैटर पेपर्स थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्स देयर लुक वॉट यू डिड यू थ्रू देम ऑल डाउन वेन कम सॉफ्टली यहाँ पे जो हमारा पोएट है ना वो विंड से बात कर रहा है वो हवा से बात कर रहा है वो बोल रहा है कि हवा धीरे आओ आराम से आओ डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज खिड़कियों की जो जो खिड़कियां हैं ना उनको मत तोड़ो खिड़कियों के जो शटर्स है उनको मत तोड़ो डोंट स्कैटर द पेपर स्कैटर मतलब फैलाना पेपर्स को मत फैलाओ डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्स अलमारी से शेल्फ से, सॉरी शेल्फ से बुक्स को नीचे मत गिराओ दे लुक वॉट यू डिड यू थ्रू दम ऑल डाउन देखो वहां तुमने क्या कर दिया तुमने सारी चीजें नीचे गिरा दी तो पोइट है वो विंड को बोलता है कि आराम से आओ विंडोज के शटर्स मत तोड़ो पेपर्स को मत फैलाओ बुक्स को शेल्फ से मत गिराओ लेकिन देखो तुमने क्या कर दिया तुमने सब खराब कर दिया तुमने सब नीचे गिरा दिया पेजेस ऑफ बुक्स टोर मतलब फाड़ देना टीयर का सेकंड फॉर्म होता है टोर मतलब फाड़ देना तुमने बुक्स के पेजेस फाड़ दिए यू ब्रोट रेन अगेन तुमने फिर से तुम फिर से बारिश लेके आ गए यू आर वेरी क्लेवर एट एट फन वीक कमजोर का मजाक बनाने में तुम बहुत चतुर हो पोकिंग फन क्या होता है मेकिंग फन किसी का मजाक बनाना मेकिंग ऑफ फन और यह किसका मजाक बन रहा है वीक वीक वीकलिंग्स मतलब वीक ठीक है तो जो पोइट है वो उसको बोल रहा है विंड को कि तुमने बुक्स के सारे पेजेस फाड़ दिए तुम फिर से बारिश लेके आ गई तुम अब कमजोर का मजाक बनाने में बहुत चतुर हो तुम उनका मजाक बना रहे हो फ्रेल क्राम्बलिंग हाउसेस क्राम्बलिंग डोर्स क्राम्बलिंग राफ्टर्स क्राम्बलिंग वर्ड्स क्राम्बलिंग बॉडीज क्राम्बलिंग लाइफ क्राम्बलिंग हार्ट्स फ्रेयल मतलब होता है वीक क्रम्बलिंग मतलब तोड़ना rafters मतलब होता है छत ठीक है मीनिंग फ्रेयल क्रम्बलिंग हाउसेस क्राम्बलिंग डोर्स क्रम्बलिंग राफ्टर्स क्रम्बलिंग वर्ड क्रम्बलिंग बॉडीज क्राम्बलिंग लाइव्स क्रम्बलिंग हार्ट्स को बोल रहा है कि तुमने कमजोर घरों को तोड़ दिया तुमने गेट को तोड़ दिया तुमने छत दहा दी छतों को तोड़ दिया लकड़ियां तोड़ दी, दिय, बॉडीज़ को तुमने तोड़ दिया और तुमने कई दिल और जानों को भी तोड़ दिया मतलब बहुत तेज हवा चल रही है तूफान आ रहा है तो उस तूफान ने क्या करा उसने काफी नुकसान करा है वीक जो चीजें हैं वीक चीजों को उसने तोड़ दिया उस हवा ने द गॉड्स एंड ऑल ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हेम सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स लेट्स ज्वाइन द डॉट्स फॉर्मली प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडीज मेक द हार्ट स्टेट फास्ट विनोज क्या होता है एक प्रोसेस होता है विनोइंग का प्रोसेस लाइक like, जब कोई भी uh, हार्वेस्टिंग कोई भी हम uh, फसल होती है तो गेहूं होता है गेहूं में से कचरा निकालने वाला जो प्रोसेस होता है ना कोई uh, चीज़ लेते हैं और उसके ऊपर गेहूँ डाल के उसको हवा के सामने ऐसे ऐसे हम उसको नीचे गिराते हैं तो उससे क्या होता है गेहूँ नीचे गिर जाता है कचरा है वो अलग निकल जाता है ठीक है तो विनोइंग का मतलब वही विनोज मतलब वही प्रोसेस होता है तो विंड गॉड विनोज एंड क्रैशेज देम ऑल तो इसमें यह बताया गया है कि जो विंड होती है ना वो विनो वाला प्रोसेस यहाँ पे ये शो कर रहा है कि जो स्ट्रॉन्ग चीज हो रही है उनको तो ठीक है कोई नुकसान नहीं हो रहा बट जो वीक चीजें हो रही है वो हट रही हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है ही विल नॉट डू व्हाट यू टेल हिम वो न वो नहीं करेगा जो तुम तो उसे बताओगे सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रांग होम्स विंड वो नहीं करेगा जो हम विंड को बोलेंगे वो नहीं करेगा विंड तो अपनी इच्छा से ही नुकसान करेगा ना तो आओ बहुत मजबूत हा, मजबूत घर बनाते हैं लेट्स ज्वाइन द डोर्स फॉर्मली गेटों को तेजी से अच्छे से स्ट्रॉन्गली मत, मतलब, फॉर्मली हम गेटों को जोड़ते हैं प्रैक्टिस टू द बॉडी बॉडी को स्ट्रांग बनाने का प्रैक्टिस करता है मेक द हार्ट सेट फास्ट हार्ट को भी एकदम मजबूत बनाने की प्रैक्टिस करता है तो यहाँ पे जो पॉइंट है ये हमें बोल रहा है कि जो विंड है जो हवा है वो एक विनोइंग का काम कर रही है क्योंकि स्ट्रांग चीजों को वो वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही लेकिन जो है, जो वीक वीक चीजें हैं हैं लोग है, उनको वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है तो पोइटे बोलता है कि विंड तो अपना काम करेगी उसको नहीं है मतलब क्यों ना हम ही स्ट्रांग हो जाए अगर हम सब स्ट्रांग हो जाएंगे तो विंड हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी तो यही चीज हो रही है हम तो वो बोलता है कि चलो अपने घरों को मजबूत बनाते हैं गेट को मजबूती से बंद करते हैं और हमारे बॉडी को और हमारे uh, दिलों को भी मजबूत बनाते हैं डू दिस एंड बी फ्रेंड्स विथ हस ये काम करते हैं और जो हवा है वो हमारी दोस्त बन जाएगी जो हवा है हमारा दोस्त बन जाएगी तो विंड ग्लोज आउट वीक फायर ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर रॉर एंड फ्लोरिश रॉर एंड फ्लोरिश रॉर मतलब घुराना जो शेर की आवाज होती है लेकिन रॉर यहाँ पे क्या रिलेट कर रहा है वाइल्ड और फ्लोरिश मतलब बढ़ाना उगाना मतलब ऐसा होता है कि ज्यादा बढ़ाना तो यहाँ पे पोइट ये बोल रहा है पोइट बोलता है कि चलो हम ये करते हैं हम अपने आप को स्ट्रांग बनाते हैं इससे क्या होगा कि जो जो विंड है उससे हमारी फ्रेंडशिप हो जाएगी क्योंकि विंड क्या होती है अगर हम थोड़ी सी जो कमजोर आग होती है ना माची जलाई फूक मारा बुझ गई लेकिन बहुत बड़ी आग जब जल रही है बहुत बड़ी बड़ी लपटे जब होती है बहुत ज्यादा स्ट्रांग आग होती है और हवा चलेगी ना तो वो आग है ना और ज्यादा स्ट्रांग होती है अगर आपने देखा होगा कि अगर आग है बहुत ज़्यादा आग फैली हुई है और अगर हवा चलेगी ना तो वो आग और फैलेगी और ज्यादा बड़ी हो तो होंगे अगर हम तो हमें नुकसान होगा। हम जाएंगे, जो विंड है हमको ज्यादा नुकसान पहुंचेगी लेकिन अगर हम हम स्ट्रांग हो जाएंगे ना तो विंड से क्या होगा हम ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे हम वाइल्ड हो जाएंगे हम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे इज गुड सो ंड से हवा से दोस्ती करना अच्छी बात है उसकी दोस्ती अच्छी है फिर प्रेज एवरी डे हम हमेशा विंड को प्रेज करेंगे हमेशा उसके बारे में अच्छा बोलेंगे क्योंकि देखो यहाँ पे सुफिया डन विद दिस पोएम इस पोएम में क्या था यही चीज़ हमें लाइफ uh, से अगर हम इस पोएम को रिलेट करते हैं तो ये बताया गया है कि जो हमारी लाइफ है उसमें कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए इंसान को स्ट्रांगली उस प्रॉब्लम को फ़ेस करना चाहिए अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है और हम बहुत कमज़ोर अगर उस प्रॉब्लम के सामने हो रहा है तो वो प्रॉब्लम हमें ख़त्म कर देगी हमें नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन अगर हम उस प्रॉब्लम को स्ट्रांगली फेस करेंगे तो वो प्रॉब्लम हार जाएगी और हम जीत जाएंगे तो यही चीज़ यहाँ पर इंडिकेट है कि वेंड जो है हवा जो है अगर वो तेज़ चल रही है और अगर हम हवा के सामने अगर हम कमज़ोर रह गए तो हमें ही नुकसान होगा हम हार जाएंगे लेकिन एकदम स्ट्रांग हो गया हमने उस हवा को फेस करा तो हम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे और हम जीत जाएंगे सो दिस पोएम इज ऑल अबाउट द प्रॉब्लम्स हाउ वी फेस द प्रॉब्लम्स हाउ स्ट्रांगली वी फेस द प्रॉब्लम्स इट्स ऑल अबाउट अस हाउ स्ट्रांग वी बिहेव लेट्स नॉट बिहेव वीकली लेट्स डोंट गेट वीक ओवर फ्यू प्रॉब्लम्स राइट सो गाइज वी आर डन विद दिस पोएम इसके क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगी कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं इसके वो क्वेश्चन आपको खुद अपनी लैंग्वेज में करने होंगे दिस विल बी योर होम वर्क एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग